राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ और स्वच्छ पानी मिले, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में रतन सिंह सहित 20 परिवारों के 80 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं शंकर लाल और यह मेरा समुदाय। हम लोगों को ये समस्या है कि हमारा जो नल था उसको एक महीना हो गया खराब होते हुए। हम दूसरों के नल पर जाते हैं तो भी पानी अब भरते एक महीना हो गया तो भी कह रहे हैं कि अब मेरा नल खराब हो जाएगा तो मैं किसके नल पर जाऊंगा। हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर भागने पड़ता है। हम मजदूर आदमी हैं तो हम अगीदा ढोरों को पानी पिलाते दिन भर मुझे निकल जाता है ना, तो हम बच्चों को ना स्कूल के लिए भेज पाते हैं टाइम से और ना हम अपनी मजदूरी के लिए निकल पा रहे हैं। कोई प्रयास किया आप लोगों ने? प्रयास किया है, प्रधान से की है, लेकिन वे बोल रहे हैं कि मेरा जो हम पहले प्रधान थे वे बोल रहे हैं हमारा मेरे पास नहीं रहा उसका बजट। जब दूसरे प्रधान के पास उनका खाता खुल जाएगा जब भी प्रधान लोग खुलवाए हम हेडपम्प सुधरवाएंगे। अच्छा कितने लोग होंगे जो पानी से परेशान? यहाँ पर 20 सदस्य लोग हैं, करीब 70-80 के लगभग होंगे आदमी। हम खुजा समस्या है कि माने नल मिट गया है, सो हमें दूर से पानी ले आने 10 ढग्गा ढोए बंदे, 5-6 बाल बच्चे हैं, परेशानी है उन्हें 10 खेप ले आने ढोया न हो, फिर बच्चा न हो नहाने हैं, उन्हें खाना बनाने, फिर जब तक जा बना पाए तो भी चले जाने तभी घर बैठे बच्चा तो स्कूल नहीं जा पाते, हमसे जा परेशानी है। कितनी बार आपको पानी लेने जाना पड़ता है? 10 डाल दूर जाने। तो आप क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं कि नीर नल लग जाए माने के भी सुधर जाए। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है कि इस हेडपम्प को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। इसके लिए वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग वृद्धा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-53-62-23-90 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि यह हैंडपम्प जल्द से जल्द ठीक हो सके। मैं शंकर लाल बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से इंडिया अनहेड के लिए।